नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट आयुर्वेदा और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे नाल एक बार फिर डॉक्टर विक्रम चौहान। तो अज असी एक अजिहे विषय पर गलबात करन जा रहे हैं जिहड़ा कि तुहानूं बहुत पसंद आने वाला है। बिना कोई पैसे खर्चिया, बिना किसी डॉक्टर को जाया, घर बैठे एक अजिही बीमारी का इलाज जिहड़ी कि नाम रात दसी जाती है, जिदा नाम सुनते भी वैसे नाम की पिंडां दे विच तां इहदा नाम लैना भी जिहड़ा वह बंदा कहिंदा भी आपां इहदा नाम ही नहीं लैना। कैंसर, कैंसर रोग एक अजिहा रोग है जिसका लोगों नूं जे किसी नूं गाल कढ़नी होवे तां पिंडां च इह कहिंदे तैनूं कैंसर हो जाए, वह इन्नी खतरनाक मनी जाती है। तो डॉक्टर विक्रम चौहान अज एक अजिहा जिहड़ा वह तुहानूं हल दसण जा रहे ने जिहड़ा कि तुसीं अपने घर बैठे ही उस अपनी कैंसर की बीमारी का अपने आप तुसीं उहदा घर बैठे ही हल कढ सकदे हो। पर शुरुआती तौर दे उत्ते असीं तुहानूं दस दईए कि प्रोग्राम मैडिकल एडवाइस लई नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ तो सिर्फ जानकारी लई है। तो जे जानकारी हासिल करके तुहानूं कोई लाभ हुंदा तां ही साडे इस प्रोग्राम की कामयाबी मनी जाएगी। डॉक्टर विक्रम चौहान ने साढ़े नाल कुछ थोड़े पौधे रखे ने, ये पौधे तुसीं देख सकते हो, आ देख सकते हो अलग अलग पौधे, कुछ टाणियां रखिया ने आ वालियाँ, तो कुछ नाल जड़े ने एक दो उन्होंने अपने प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं जिहड़े कि एक हल्दी रखी हुई है। ये सारिया चीज़ा अज इन सारिया चीज़ों समझाओगे कि तुसीं बिना किसी डॉक्टर को, या फिर एज कई बार अजिहे हालात बन जाते हैं कि डॉक्टर भी कह देंगे ने भी आपने आ कीमोथेरेपी या नहीं करवानी या किदा उस कुछ अड़चन आ रही है, उदे तो बिना भी तुसी अपने इस समस्या तो किवें छुटकारा पा सकते हो। डॉक्टर साहब, तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने इनवाइट किया, इस बड़े अच्छे मुद्दे को उठाया, कैंसर को। और कैंसर जो है, डर बहुत है लोगों में कि ये जिसको लग गया वो तो अब जान लेकर ही छोड़ेगा, तो परंतु ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रिकॉशंस हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि घबराना नहीं है, है ना, ज़्यादा चिंता नहीं करनी। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है हमारे को, और बहुत सारी कुदरती जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में ज्ञान जो है लुप्त हो गया था, अब हम उस ज्ञान को आगे आगे दे रहे हैं। आयुर्वेद प्रचलित हो रहा है, प्रसार कर रहा है, सब जगह फैल रहा है, तो आप इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि डॉक्टर विक्रम चौहान ने आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो है वो MD की हुई है, और इन जो आप प्लांट्स देख रहे हैं इनकी आप इनके पास काफ़ी महारत हासिल है। तो इसी लिए ये चाहते हैं कि ये डॉक्टरी चक्कर से जो है वो जो मरीज, बहुत सारे मरीजों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे मरीज जो हैं वो इलाज करवा के उनके पास पैसा ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो किसी और पद्धति में गए हुए हैं उसमें उसको हल नहीं मिल पा रहा, तो वो डॉक्टर विक्रम चौहान की आज ये इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पब्लिक के पास ऐसी जानकारी मिले कि अगर वो किसी और पद्धति में भी इलाज करवा रहा तो वो ये भी साथ में करेगा तो उसको फ़ायदा होने वाला। डॉक्टर साहब, ये प्लांट्स आपने यहाँ रखवाए हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे पहले तो ये प्लांट्स कौन कौन से हैं? पहले तो थोड़ा सा कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली कैंसर जो रोग है उससे हम डर जाते हैं, और अलग अलग जगह का कैंसर होता है, और उसके लिए एडवाइस की जाती है कि कीमोथेरेपी कीजिए, रेडियोथेरेपी कीजिए। मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा, अभी आप ना कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप नहीं करवा सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया, या आप वैसे ही किसी कारण से नहीं करवा पा रहे, तो एटलीस्ट या करवा भी पा रहे हैं तब भी साथ में अगर ये आयुर्वेदिक हर्ब्स खा लेंगे जो ईश्वर ने हमें दी हैं, जो ईजिली अवेलेबल है। आज सुबह ही मैं ये प्लांट्स को देख रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि एटलीस्ट मैं लोगों को बताऊं जिससे वो घर बैठे ये हर्ब साथ में लेते रहें। और आपको सिर्फ दो दो तीन तीन पत्ते इन सभी प्लांट्स के खाने हैं, कुछ नहीं करना उससे। इसमें जो ईश्वर ने हरे जो पत्ते हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं, ऐसे ऐसे नेचुरल फ्लेवोनॉइड्स डाले हैं, ऐसे ऐसे अल्कलॉइड्स डाले हैं, और ऐसे ऐसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब नेचुरल विटामिन तत्व सब डाले हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे और हील भी करेंगे। तो इसलिए आप उसके साथ भी अगर आप ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट के साथ भी लेंगे तो आपको फ़ायदा करेंगे। तो ये प्लांट्स जो है कॉमन है, सभी के घर में पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा ये जो पौधा है तुलसी का,
देखिए राम तुलसी और श्याम तुलसी, इसमें राम तुलसी जो थोड़ा ग्रीन कलर का इसका होता है जो स्टेम है, और श्याम तुलसी का थोड़ा ब्लैकिश होता है। तो इसके आपने 5-5 पत्ते दोनों तुलसियों के खाने हैं रोजाना? रोजाना सुबह शाम या एक ही? सुबह शाम जी। सुबह 5 इसके, सुबह 5 इसके, शाम को मतलब इन दोनों के कुल मिला के 10 पत्ते हो गए, 10 पत्ते सुबह 10 पत्ते शाम। तो तुलसी जो है उसको भूत गनी अपेत राक्षसी है ना सुरसा, इस तरह के शब्दों से इसको प्रायवाची शब्द बोले गए हैं, मतलब भूतों को हरण करने वाली, भगाने वाली, जो आपको नुकसान पहुंचाने आया उसको खत्म करने वाली। वैसे भी इसको एंटी वायरल एंटी इन्फ्लामेटरी और ये सब खिताब दिए गए हैं, एंटी फंगल भी है। तो तुलसी में ऐसे कुदरती तत्व होते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी का नाश करती है, इसी के तो इसलिए हम पूजते हैं इसको, इसको घर के आंगन में लगा के इसकी पूजा की जाती है। तो इसको अगर आप तुलसी का सेवन करेंगे, और वैसे मैं तुलसी का काफ़ी प्रयोग करवाता हूँ, काफ़ी वैद हैं वो भी देते हैं आयुर्वेद में, तुलसी बहुत कॉमन है, आप इसको प्रयोग करें। उसके बाद आपको मैं सिंपल एक और हर्ब बताता हूँ, और वो है हल्दी। हल्दी जो है आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को। एक काली मिर्च भी डालनी है इसमें? काली मिर्च डाल सकते हैं, वो उससे थोड़ी उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आधा चम्मच में आपने एक चौथाई चम्मच का भी आधा मतलब 1/8 चम्मच छोटे वाला वो काली मिर्च उतनी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, एक चुटकी हो बहुत चुटकी की टाइप, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी फिर आपको जलन होगी, तो बेटर है उसको आप थोड़ा पानी में घोल करके पी लें। तो हल्दी हो गई, तुलसी हो गई, तुलसी भी थोड़ी गर्म है तो आपने उसको थोड़ा सा पानी के साथ ही पीना है, वैसे पानी जरूर पी लें उसमें, शायद नींबू डाल सकते हैं उस पानी में? नींबू डाल सकते हैं, नींबू डालने में कोई हर्ज नहीं है, और थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको नारियल का पानी भी ले लें तो थोड़ा अल्कलाइज हो जाएगा। हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, ये सब हल्दी के अब जितने गुण मैं गाऊँ उतने कम है ना। हल्दी जो है इसका एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी वायरल है ना, एंटी फंगल, और इतने एंटी हैं इसके सारा बॉडी के लिए है ना, फर्स्ट क्लास, जितने एंटी ऑक्सीडेंट इसमें है किसी में नहीं है। तो ये कैंसर क्या है, इन्फ्लामेशन का ही एक हिस्सा है, ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गई शरीर में तो वो हमारे सेल्स हैं वो उनको समझ में नहीं आता डिवाइड कितना करना कितना नहीं करना, तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है आपस में। तो उसको ये रिस्टोर करती है हल्दी के ऊपर, वैसे भी बहुत रिसर्च हो चुकी है कि ये कैंसर को काफ़ी हद तक रोकती भी है, ठीक भी करती है। और ग्रंथि रोग, वैसे आयुर्वेद में कैंसर को जो है अर्बुद बोला गया है, ग्रंथि बोला गया है, और ये अलग अलग जगह पे होने वाला रोग है। कैंसर को ये नहीं कि जैसे बोन का कैंसर अलग है, ब्लड का कैंसर अलग है ना, लंग्स कैंसर अलग है, स्किन अलग है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी में आप दे सकते हैं, चाहे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे प्रोस्टेट कैंसर है, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, तो ये नुस्खे यूज़ करने में। अब ये सदाबहार का पौधा है, अब ये देखिए इसके सफ़ेद रंग के फूल हैं, तो सदाबहार सभी के घर में आराम से मिल जाता है जी जी। तो आज यही चीज़ें बताऊंगा जो घर में आम मिलती है जी जी। तो विंका रोजिया इसको बोलते हैं, विंका एल्बा, तो विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन नाम की जो कीमोथेरेपी भी लगती है वो भी इसी प्लांट से निकलती है। तो वो कीमोथेरेपी थोड़ा उसके इंजेक्शन बन जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो कुदरत ने ऐसा विंका रोजिया, इसका नाम ही विंका है, तो ये एल्बा इसको बोलते हैं क्योंकि ये सफ़ेद है। तो ये जो है ये शुगर में भी इसके पत्ते आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं, पर कैंसर में बहुत लाभकारी हैं। तो किसी भी प्रकार के ये इस तरह का प्रॉब्लम हो कैंसर की, तो आप ये विंका रोजिया आ गया, ये रेड है, ये प्लांट जो है ना सुबह से यहीं रखे हैं तो थोड़े मुरझा गए हैं, ये मैं घर से लाया था आज, तो ये विंका रोजिया, रोज कलर का पिंक है ना, पेरीविंकल भी बोलते हैं इसको। तो ये दो प्लांट जो है अपने आप उग जाते हैं, बहुत अपने आप सब जगह लगे हुए हैं। तो आपने इसके भी दो दो तीन तीन पत्ते सुबह शाम रेड वाले के या वाइट वाले के ये भी खाने हैं। अब आ जाइए एक और प्लांट है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, और वो है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का पौधा जो है आप नर्सरी से मिल सकता है, तो 5 पत्ते इसके भी या 3-4 पत्ते भी बहुत है, तो एवरी डे सुबह शाम। इसकी तो आपने MD भी की हुई है? हाँ, मेरा MD का थीसिस इसी के ऊपर था। तो ये वैसे भी बहुत सारे और रोगों में भी बहुत लाभकारी है, स्ट्रेस में, अनिद्रा में, टेंशन में, एंग्जाइटी में, डायबिटीज़ में है ना, मसल लॉस में जिसका वीकनेस है,
मसल्स की वीकनेस, उसमें भी अश्वगंधा बहुत लाभकारी है। आपको याद आया इसके बारे में? है, मैंने कभी बताया होगा, मेरे थीसिस का जो टॉपिक था इसी के ऊपर था। तो अश्वगंधा जो है विदानिया सोमनी फिरा, इसका लैटिन नेम है। तो सोमनी फिरा मतलब जो कि सोमनोलेंस को बढ़ाए, मतलब जो नींद लेके आए। तो निद्रा तो वैसे ही उड़ जाती है, जिसको कैंसर हो गया उसकी तो उड़ती है, साथ में अड़ोसियों पड़ोसियों की भी उड़ जाती है, घर वालों की उड़ जाती है। तो अश्वगंधा तो सभी के लिए अच्छा है, है ना। और अब उसके आगे कचनार जो एक प्लांट है, ये देखिए कचनार, ये कांचनार जो है, ये इसके ऐसे हार्ट वजह से पत्ते होते हैं और दो पत्ते जुड़े होते हैं आपस में, ऐसे लगता है ना। तो ये कचनार की फलियाँ आमतौर पर सब्जी बनाते लोग, तो कचनार के जो जो छाल है, इसका जो पेड़ होता है, स्किन, पेड़ की जो बार्क है, वो हम इस सभी प्रकार के कैंसर में, ठंडी होती है वो, गर्म नहीं होती, तो ये बैलेंस किया हुआ है मैंने सारा नुस्खा। तो कचनार का जो छाल है उसको काढ़ा बना करके आप लीजिए, तो ये आप पहचान कर लीजिए, आपको ईजी पत्ते से बार्क ज़्यादा बेटर है। इसमें ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो बार्क में ज़्यादा होते हैं, तो पत्ते खाने के बजाय वो बार्क आप उबाल करके लीजिए। पत्ते भी खाए जा सकते हैं, एक पत्ता डेली खा लें बस, है ना। तो कचनार जो है युगम पत्रक बोलते हैं इसको संस्कृत में, युगम मतलब जुड़ा हुआ, ऐसा लगता है देखो जुड़ा हुआ है ना। तो ये जुड़े हुए पत्ते की तरह हार्ट शेप्ड इसके पत्ते होते हैं, तो ये आमतौर पर आपको गार्डन में नर्सरीज में मिल जाएगा। कचनार की पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसके गुलाबी रंग के फूल होते हैं, तो ये कचनार हो गया। तो इस तरह से जो चार पांच पौधे आपको बताए मैंने, वो हर प्रकार के कैंसर में, किसी भी प्रकार का हो, तो आप अपनी जो किमो करा रहे हैं, रेडियो करा रहे हैं, जो चाहे नहीं करा रहे, साथ में खाएंगे तो आपको डेफिनेटली शरीर में एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, आपको ये कैंसर में भी, उसको कंट्रोल करने में भी, उसकी रोकथाम करने में भी ये लाभकारी होंगे। तो ये पौधे बंदा घर पे लगा ले अपने इलाके आराम से, देखो सदाबहार तो कई घरों में लगाए हुआ है, कचनार हर गली में लगा हुआ है, किसी गली नुक्कड़ किनारे पे कहीं ना कहीं कचनार का पेड़ जो है मिल ही जाता है। अगर नहीं भी है तो, नहीं है तो आप नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। तो तुलसी तो हर घर में लगा हुआ है, कचनार वैसे बहुत कॉमन है, सब जगह मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, बस उसकी पहचान आनी चाहिए। अगर कचनार नहीं भी मिलता तो बाकी के जो पौधे तो लगे हुए हैं, सदाबहार का तो मिल ही जाता है ना, तुलसी का भी मिल जाता है, अश्वगंधा का भी मिल जाता है, है ना। तो ये पौधे, हल्दी तो है ही है सारे हमारे घर में। अच्छा, हम थोड़ा सा कर लें, 10 पत्ते, 5-5 पत्ते दोनों के, एक सुबह शाम हमने ये लेने, राम तुलसी के, शाम तुलसी, शाम तुलसी के 5 पत्ते हमने सदाबहार लाल वाले के, 5 पत्ते सफेद वाले के, और आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी उसमें काली मिर्च डाल के, अश्वगंधा के 4 पत्ते जी, और कचनार, और कचनार क्या बार्क अगर मिल जाए, या एक पत्ता, तो या छाल का उसका काढ़ा बना करके 50 या 100 ml उसको चाय की तरह पिए। और बार्क कितनी यूज करनी है? जो लगभग इतना सा टुकड़ा बस, वैसे पंसारी से भी मिल जाती है कचनार की छाल, अगर पंसारी से बोलेंगे ना कि मुझे कचनार की छाल दे दो, तो वैसे आयुर्वेदिक में हम कचनार गुगल टैबलेट्स यूज करते हैं, किसी को ग्रंथि रोग हो, किसी को टॉन्सिल्स हो, किसी के लिम्फ नोड फूले हुए हो, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाए ना, तो यही सब चीज़ें हम टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। जितने भी आयुर्वेदिक वैद हैं, कोई उनके पास पेशेंट आता है कि सर हमारी ना ग्रंथि रोग हो गया, हमें ये लिम्फ नोड्स फूल गए हैं, या कर्कट रोग, कैंसर ही हो गया, तो हम लोग क्या देते हैं, हल्दी देते हैं कर्कुमिन की फॉर्म में, या फिर हम लोग ये तुलसी के दे देते हैं, अश्वगंधा के दे देते हैं कैप्सूल्स वगैरह, या उनके एक्सट्रैक्ट बेस्ड टैबलेट्स आती हैं, या कचनार गूगल दे देते हैं। तो इस तरह से हम कम्बिनेशन देते हैं, और कुछ ब्लड प्योरीफायर, और ऑर्गन स्पेसिफिक कोई कैंसर हो, जैसे कोई लिवर का कैंसर है तो हम उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, भूमि आमला डाल दिया, काल मेघ डाल दिया, है ना, इस तरह के। अगर कोई ब्लड कैंसर है तो मंजिष्ठा डाल दिया, या कोई बोन कैंसर है तो उसमें लाक्षा डाल दिया, गुगुल डाल दिया, है ना, और इस तरह से सिसस क्वाड्रेंगुलर से एक जड़ी बूटी है, हड्ड जोड़ वो डाल दिया। अलग अलग कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें ब्रह्मी डाल दिया, कोई लंग कैंसर है तो उसमें हमने कोई तुलसी वगैरह, तो चलो मैं दे ही रहा हूँ तुलसी हल्दी, और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए डाल दिया, है ना। तो उस ऑर्गन स्पेसिफिक भी हम दे सकते हैं। तो ये अगर लेते हैं तो कितना चिर में उसको फायदा पहुंचने लगता है, कितने समय में? लगभग विद इन 15-20 डेज, 1 month। अच्छा, 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर उसको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है,
तो उसको, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। किस तरह का बेनिफिट, यानी कि कैंसर में किस तरह का? एक तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, पेशेंट को लगता है मेरे में एनर्जी पहले से ज्यादा, क्यों बढ़ जाती है? इम्यूनिटी बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसमें सारे मिनरल चले गए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब चला गया, तो किसी में इतने अबंडेंट मिनरल जाएंगे, एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही। आप खुद देख लिए, जानवर सारे तो पत्ते खाते हैं, हम लोग चपातियाँ खाते हैं या पैकेज फूड खाते हैं, तो कैंसर पेशेंट जो भी है उसको भी चाहिए कि अपना एक रूटीन बनाए कि उसमें ग्रीन जूस को इंक्लूड करे, ग्रीन जूस में ग्रीन पत्तों का रस जरूर डाले, उसमें व्हीट ग्रास का रस हो गया है ना, और मेथी हो गई, और उसके अंदर पालक भी हो गई, और उसके बाद उसका मोरिंगा का हो गया है ना, स्पिरुलिना भी हो गया, इस तरह की जितनी ग्रीन चीज़ें, धनिया हो गया, धनिया बहुत अच्छा है, पुदीना बहुत अच्छा है, आंवला हो गया, तो ये जितनी ग्रीन चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका रस निकाल करके वो सुबह पी लिया करे है ना, और जो रेड जूस है वो शाम को पी लिया करे, उसमें चुकंदर हो गया, उसमें अनार हो गया, सेब हो गया, सेब तो वैसे ही बहुत बड़ा एंटी कैंसर, अकेला ही बहुत है, सेब को सबसे बड़ा एंटी कैंसर माना गया, तो सेब का रस जरूर पिए डेली, या सेब वैसे ही खाएं, सेब की जो लाल लाल स्किन है वो जरूर यूज़ करें, चुकंदर हो गया, तो ये कुदरत ने बहुत सारे फल फ्रूट दिए, फल सभी खाएं, नट्स खाएं, तो ये सब चीज़ें, स्प्राउट्स खाएं, तो ये सब चीज़ें कैंसर वाले रोगी जरूर यूज़ करें। तो कुछ मना भी है? मना ये है कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में ना एक तो कैंसर वाले की अग्नि बहुत धीमी हुई होती है, मिल्क को आयुर्वेद में सबसे बड़ा अमृत बोला गया है, आजकल बोला रहे हैं ना सब जगह कि लोग दूध मत पिए, दूध मत पिए, पर आयुर्वेद में लिखा गया कि दूध से बढ़िया अमृत कोई नहीं है। हमारा कल्चर में भी यही था कि हम लोग दूध पी के सोते थे, परंतु अब दूध का क्या बन गया, पहली बात तो हमारी अग्नियां शांत होगी, अग्नि है ही नहीं रही, क्योंकि दूध को पचाने वाली ताकत ही खत्म होगी, दूसरी बात ये होगी हमारे साथ कि दूध जो है उसमें इतने केमिकल डल गए हैं, जो गाय है उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो भैंस है उसको इंजेक्शन लगते हैं, एंटीबायोटिक लगते हैं, उनके हार्मोनल एंटीबायोटिक्स हमारे पास वो नेचुरली आ जाते हैं, जो चारा दिया जा रहा वो जहरीला चारा, उसमें पेस्टिसाइड है वो भी हमारे अंदर आ जाते हैं, तो गाय भी मर रही है, हमें भी कैंसर हो रहे हैं, तो इस तरह से जो ऊपर से जो पनीर वगैरह का कल्चर चल पड़ा, पहले पनीर थोड़ा होता था, पहले पनीर था ही नहीं, अब ये चीज़ आ गया और इस तरह की चीज़ें आ गई, पहले तो मक्खन होता था, पुराने ज़माने में मक्खन लोग यूज़ करते थे, तो घी यूज़ करते थे, घी तो अभी भी मैं रिकमेंड करता हूँ, घी तो प्योरीफाइड फॉर्म है, तो इस तरह से मिल्क प्रोडक्ट्स टोटली बंद है। जो कैंसर कुछ ऐसे होते हैं फैलने वाले, उसमें बहुत गर्म चीज़ें जो हैं जैसे कि लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, वो हम आयुर्वेद में रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, कैंसर जो है वो ग्लूटन की वजह से ज़्यादा फैलता है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ज़्यादा फैलता है, जितना हम कार्बो, क्योंकि वो उसकी खुराक माना जाता है, वो उसी से वो आगे बढ़ता है, तो ये भी मना करेंगे आप? जो शुगर है, जो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, उसके लिए उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दवाई, जो प्लांट्स का कंजम्पशन है उसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो ग्रेन्स हैं ना वो ज़्यादा खाएं, उसमें से सभी तरह के मिलेट्स आ जाते हैं, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, बार्नयार्ड मिलेट हो गया, ब्राउन टॉप मिलेट हो गया ना, लिटिल मिलेट हो गया, कोदरा हो गया, जो कोदम बोलते हैं है ना, कोडो मिलेट हो गया, तो ये सब मिलेट्स जो हैं ये इनका ग्लाइसेमिक, इनमें शुगर लेवल बहुत कम करने की कैपेसिटी होती है, तो ये आपको एनर्जी तो देते ही देते हैं, इनमें न्यूट्रिशन तो बहुत सारी है, पर ये कैंसर को बढ़ावा नहीं देते क्योंकि उसकी शुगर ये छीन लेते हैं। और इसमें स्पाइरल में होता है वो सारा कुछ, वो धीरे धीरे वो अंदर रिलीज करती है वो उसमें, और इसकी वजह से वो कम जो है वो शुगर बॉडी में जाती है। इसका जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है कि जो ग्लूकोज को जो सैक्राइड के चेन्स हैं वो इस तरह से जुड़ी होती हैं कि जो जब पेट में पचती है ना ये जो मिलेट्स हैं तो वो जो रिलीज करती हैं शुगर को बहुत धीरे धीरे करती हैं, जबकि जो राइस है या वीट है ये जाते सारे सीधे घुल जाते हैं, और आजकल तो वीट भी ऐसा नहीं रह गया, वीट को भी प्योरीफाई कर करके उसको छील छील के ऊपर से, भगवान ने तो बनाया था कि वीट को मोटा दाना, उसको ऊपर से छील के उसको इतना कि वो रिफाइन किया जाता है
कि अंदर से बिल्कुल मैदा ही निकलता है, और जो बीच में थोड़ा बहुत होता भी है फाइबर, उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं कि इसको व्हाइट वाला हमें चाहिए। हाँ, वही मैदा ही रह गया ना, उसी की बात कर रहा हूँ कि ऊपर वाला फाइबर सारा छील दिया, पॉलिश कर दिया, राइस को भी पॉलिश कर दिया, अब वो पॉलिश राइस है वो उसमें क्या रह गया, सिर्फ शुगर रह गई, स्टार्च रह गई। तो वो स्टार्च लोग खा रहे हैं, बड़ा टेस्टी लग रहा है उनको स्टार्च खाना, क्योंकि मीठा मीठा लगता है, तो उससे सिर्फ मीठा मीठे मीठे से मोटा ही होता है आदमी, शुगर ही होती है उसको, उसका लीवर भी फैटी होता है, तो इस तरह और कैंसर रोग होता है। तो ये सब मीठे की वजह से होने वाले रोग हैं, तो उसका इलाज ये है कि मीठा कम से कम करो। लोगों ने ये समझ लिया कि हम मीठा मतलब मिठाई, ऐसा नहीं है, मीठा मतलब चपाती और राइस, ये भी मीठा खाना भी हो तो स्टीविया यूज कर सकते हैं। हाँ, वो भी एक बहुत अच्छा प्लांट है, तुलसी जैसा ही होता है बिल्कुल। आप नर्सरी में जाएं, उनको बोलो हमें स्टीविया का प्लांट दे दे, उसका आप दो पत्ते खा के देखेंगे बिल्कुल चीनी जैसा लगेगा। मैंने आपके घर पे खाया था वो स्टीविया, मेरे को इतना मीठा लगा कि मैंने कहा यार इतनी ज्यादा चीनी खा। बहुत टेस्टी है जी, बहुत मीठा है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी डिशेज में भी, अपने खाने में भी, जहाँ भी यूज करना है वो प्लांट बेस्ड है, उसमें नेचुरल तत्व कुदरती तत्व भी अच्छे हैं। तो क्या लगता है कि ये करके एक दो आपके प्रोडक्ट भी हैं, मैंने सुना कि आपके वो प्रोडक्ट बहुत कामयाब हैं। वो देखिए प्रोडक्ट तो हैं, प्रोडक्ट की अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोडक्ट भी लिए जा सकते हैं। ये ट्यूमर ट्रिम करके है, उसको ट्रिम करने के लिए, काटने के लिए ट्यूमर को, तो वृद्धि रोग बोला गया आयुर्वेद में, वृद्धि मतलब ग्रोथ हो गई, एक्स्ट्रा ग्रोथ, उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को श्रिंक करने के लिए या उसको कम करने के लिए इसमें डाला गया है। इसमें वही डाला है हरिद्रा, हरिद्रा मतलब हल्दी, उसका सत्व निकाल दिया। उसके बाद गुग्गुल, जिसकी मैं बात कर रहा था, कचनार गुग्गुल, सलाक्की, सलाक्की और गुग्गुल की बहन है, जो गुग्गुल भाई है सलाक्की उसकी बहन है, तो सलाक्की सलाई गुग्गुल डाल दिया, तुलसी डाल दी, अश्वगंधा डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, वही जो मैं कह रहा था, और जिंजर भी डाल दिया थोड़ा सा। जिंजर भी काली मिर्च जैसा ही काम करेगा, इसमें उनको जल्दी से पहुँचाएगा, है ना। और जिंजर जो है उसको विश्व भेषज बोला गया, मतलब दुनिया भर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो इस तरह के जो विकासी और वैवाही जो द्रव्य हैं, जो प्लांट्स हैं, ऐसे जो जल्दी से दवाइयों, जो तुलसी और हल्दी और अश्वगंधा को जल्दी से काम कराए, वो कौन से हैं, वो है काली मिर्च और जिंजर। तो ये इनसे जल्दी से काम लेने के लिए काली मिर्च और अदरक का प्रयोग किया गया। तो इसी तरह से आप इनकी हर्बल टी भी बना के पी सकते हैं, जो मैंने प्लांट्स बताए हैं, मान लो तुलसी लें, अदरक लें, हल्दी लें, काली मिर्च लें, और उसकी आप एक चाय बना के उसमें नींबू डालें, उसमें नींबू डालें, उसमें वो थोड़ा सा पिंक रॉक सॉल्ट डाल दिया, बिल्कुल बहुत टेस्टी चाय बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है, तो उसका इन सब चीज़ों से आपको ईजिली, आपको जो स्पेशली जो कीमोथेरेपी नहीं करवा सकते या रेडियोथेरेपी नहीं करवा सकते, वैसे तो उसके साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। जी जी, आपके कुछ एक प्रोडक्ट और पड़ा हुआ वो सेम ही है जी, जी। ये भी मेरे ख्याल से टिमोट्रिम ही है। तो ये दो बोतलें हमने रख दी थी यहाँ पे। तो टिमोट्रिम जो है, दो कैप्सूल सुबह शाम मैं देता हूँ, और कोई किसी को पर्टिकुलरली कोई और टाइप का कैंसर हो तो उसको फिर कॉम्बिनेशन देता हूँ। तो जो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ आप ले सकते हैं। एक वीडियो हमने डाला हुआ है, कोई हमारे गांव से आए थे चरणजीत, मिस्टर चरणजीत संगरूर, उसको उनको एनल कैंसर था, उनको बेल का चूर्ण साथ में दिया और कुछ दवाइयाँ दी, तो उनका बिल्कुल क्लियर ही हो गया। उनको डॉक्टर्स ने बोला था कि आपके तो थैली लगेगी काट के, वो वीडियो है मेरा इंटरनेट पे। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं। तो आपने एक बेशकीमती जानकारी दी है, मुझे लगता है कि ये सब जानकारी हासिल करने के बाद लोग आपको ढूंढेंगे जरूर। तो मिलेंगे कहाँ आप? मैं यही मोहाली में मिलता हूँ, चंडीगढ़ के पास एक सैटेलाइट टाउन है, अब तो छोटा नहीं रहा, अब तो बड़ा टाउन बन गया। तो मोहाली जो है JLPL सेक्टर 82 मोहाली, और हमारा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9915593604, और लैंडलाइन नंबर है 01725214040। तो यहाँ पे सुबह 10 से 5:30 तक हम लोग मिलते हैं, और मैं तो मंडे ट्यूसडे को ही देखता हूँ पेशेंट्स को, और मेरी टीम है जो ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करते हैं। तो आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप करके, अपॉइंटमेंट ले करके और एक फिक्स टाइम करके, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर से या मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप बात कर सकते हैं।
तो आपकी गैरहाजिरी में आपके डॉक्टर, आपके सहयोगी और भी हैं? मेरे पास कम से कम भी 15-20 सहयोगी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बिजी रहते हैं वो भी, और सब ऑनलाइन पेशेंट्स देख रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, नॉट ओनली इंडिया बट इंडिया के बाहर से भी हमारे पास पेशेंट काफ़ी कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो हम उनको गाइडेंस दे रहे हैं। और हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं प्लैनेट आयुर्वेदा के, पूरे प्लैनेट पे अवेलेबल हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, है ना, इंडिया में तो है ही है, तो सभी ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर में, सब जगह अवेलेबल हैं। तो खैर, मैं हम बात तो यही कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़े, तो प्लांट्स ही अगर आप ये लगा लें तो आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बेशकीमती जानकारी एक बार फिर हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और मुझे उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट्स आप जो डॉक्टर विक्रम चौहान ने बताया, ये आप अपने घर पर ज़रूर लाएँगे, और लाने के बाद आपने जो ये चीज़ें जिन बीमारियों से आप लड़ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर पे ही काम आए, और बहुत सारी बीमारियों के ऊपर भी ये काम आते हैं, और बहुत सारी जो आपके अंदर की तकलीफें होंगी दूर होंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सो ये थे डॉक्टर विक्रम चौहान, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम कैंसर जैसे रोग का घर बैठे ही हम छुटकारा पा सकते हैं, और उसको रिवर्स करने में ये मदद करेंगे ये प्लांट्स। कुछ नहीं करना, ये प्लांट्स जैसे बताया है, साथ में किसी नर्सरी पर जाना है, ऑर्गेनिक हों ये चीज़ें, और उनसे ये हमने लेनी है, लेके हमने अपने किसी गमले में, किसी उसमें पॉट में लगा के लगा लेनी है, और जैसे जैसे बताया है ऐसे ऐसे इसको यूज़ करनी है। बाकी का ट्रीटमेंट अपना चलते रहना देना है, किसी को ये नहीं बोला जा रहा कि वो ट्रीटमेंट आप रोक लें, लेकिन उसके बाद एक महीने के बीच में अपने रिजल्ट आपको खुद दिखेगा कि क्या आपने लिया और कैसे आपको इसका फ़ायदा हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये वीडियो शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम कैंसर के रोगियों की मदद करेंगे, क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है जो आदमी को खींच के मौत की तरफ ले जा रहा है। तो अगर एक आदमी भी हम कैंसर का रोगी हम बचाने में कामयाब रहे तो हम समझेंगे कि हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त, धन्यवाद। Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements delivered worldwide.